व्लॉग चैनल, कैमरा मैंने नीचे रखा है, इसलिए मैं नीचे हूँ। आपको बताओ बताओ क्या करना है। हम लोग यार अपने मौसी और मौसा जी की 25th मैरिज एनिवर्सरी में पार्टी करूँ। आई मीन जो हमारी मौसी की बेटियाँ हैं, उन्होंने एक सरप्राइज प्लान किया है जिसमें हमारे मौसा और मौसा जी को बिल्कुल नहीं पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो नॉर्मली जाएंगे कि हाँ हाँ होटल में हम और बच्चा बच्ची, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम लोग जाएंगे। हाँ, और भी कोई लोग आएंगे। और हम लोग इतना जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें लेट हो रहा है। और फिर मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग भी बना लेते हैं, तो वो चलो सकते हैं। चलो 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 चलो। और मैंने ये पहना है रेगुलर अपना जो मैं पहनती हूँ। मौसा जी प्रणाम। ये भी रेड पहनी है। हम भी रेड, ये भी रेड, दोनों बहन समझ रहे हैं। सब नहीं नहीं नहीं, सब प्लान बधाई हो आपको। रेडी रेड पैंट दो वाले ने थे, बच्चे देखे कितना मजा एंजॉय करा रहे हैं दोनों। क्या हुआ आपके पैर में? मेरा पैर फ्रैक्चर है। ये हर जगह बदतमीजी रस्ते में घुस जाता है। दीदी ये सब साफ करो। वो मना किया था करने के लिए, हर जगह तुम हो ना साफ करने के लिए। करो, गिफ्ट मिलता जा रहा है। बहुत सुंदर। हाँ बोलता है, हम दुनिया को बताया है इस इंसान ने सारा कचरा फैलाया है और फिर बोल रहे हैं किस बच्चे ने किया। इतनी शरीफ है, निहायत ही गलत बात की आपने। तुमने ही तो सपोर्ट किया। देखो इल्जाम लग रहे हैं। अच्छा जो गलत हो उसके चेहरे पे एक कोड़ा होगा। कौन सी बात हुई यार, ये कोई बात ही होती है। पर्सनल बातें कर रहा है वो लड़का। प्रगति आ जाओ, प्रगति हमें प्यार ना करने दे। तो गाइस ये तो आप जानते होंगे ये मेरी मम्मी है और इन्होंने रेड पहना है और इन्होंने भी रेड पहना है। तो आप बताइए कौन है ये? इनकी बहन ही होंगी। और ये कौन होंगी? इन्होंने भी रेड पहना है। और अरे मौसा जी भी रेड पहना है। भाई साहब सबने रेड पहना है। अरे निखिल कहाँ गया? निखिल वो है, वो है, जूम कर दूंगा। इधर आ जाओ निखिल, वो भी रेड पहना है। अरे ये नहीं है निखिल, वो है निखिल। ये रहा निखिल, ये जो दो लोग हैं उनका बेटा है निखिल। और ये है चुड़ैल और ये है शिवांगी दीदी जिनका पैर टूट चुका। सॉरी सॉरी, अच्छा हम जानते ही नहीं है। सॉरी सॉरी, हाय इनका नाम दीदी है। और कोई है? वो है प्रतीक भैया, वो भैया है, वो भी भैया है। वो है साक्षी दीदी, वो भी इनकी बेटी है। मैं बकवास कर रही हूँ। ये भैया है, ये हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। गुलाब के फूलों की तरह आप लोग हमेशा खिलिए, खुशते मुस्कुराते रहिए। वांगी का प्लास्टर देखो दोस्तों, पैर टूटा हुआ है फिर भी कलरफुल है। इसको कलर करने वाली ये लड़की है और वो लड़का। ज्यादा नहीं, चार रोटी और पनीर की सब्जी। वो लोगों के लिए तुम्हारे जैसा थोड़ी कोई ऐसे खाए गए दोस्तों। लेकर जा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि मेरा बेटा नहीं आया है। मेरा आदत यही है गाइस, खाते भी है बांध कर लेकर जाते भी है। ब्लॉगर प्रो मैक्स खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। प्लीज आप, हमने जल्दी डिनर वगैरह कर लिया, अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि लूसी वेट कर रही होगी, उसकी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी खर्ची करना पड़ता है।